हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या बैंकिंग, पुलिस और इस तरीके की कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा वीडियो उसी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स और जीके की बहुत सारी टॉपिक्स बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स 8 जनवरी 2017 से 15 जनवरी 2017 के बीच हुई हमारे देश दुनिया में या हमारे देश के बाहर हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में एडवाइस भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ये न्यूज़ जितनी भी करेंट अफेयर्स की है, ये फ्रेंड्स 8 जनवरी 2017 से 14 जनवरी 2017 के बीच की है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये न्यूज़ जो है आपकी वो 8 जनवरी 2017 की है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 14th प्रवासी भारतीय दिवस इन बेंगलुरु। प्रवासी भारतीय दिवस हैड बीन हेल्ड ट्रेडिशनली ऑन 9th जनवरी एवरी ईयर। द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट वॉज एंटोनियो कोस्टा, द चीफ गेस्ट ऑफ पुर्तगाल। द थीम ऑफ दिस ईयर्स PBD इज रीडिफाइनिंग इंगेजमेंट विथ इंडियन डेस्पोरा। तो मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि पीएम मोदी ने बेंगलोर में जो 14वां प्रवासी दिवस था उसका इनॉग्रेशन किया, और भारतीय दिवस ये जो होता है प्रवासी भारतीय दिवस वो हर साल 9th जनवरी को मनाया जाता है। इस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो एंटोनियो कोस्टा थे जो कि पुर्तगाल से थे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ये भी है 8 जनवरी 2017 की। इसके अकॉर्डिंग इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा वॉन ब्रिस्बेन वुमन्स डबल्स टाइटल्स विथ अमेरिकन बेथैनी, इनका नाम है बेथैनी माटेक सैंड्स। दे वॉन दिस ट्रॉफी अगेंस्ट द रशियन टीम ऑफ इकैटरीना मैकारोवा एंड एलिना वैस्निना। तो ये न्यूज़ है ये दोस्तों कि भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने अमेरिका की बेथैनी माटेक सैंड्स के साथ ब्रिस्बेन वुमन्स डबल का खिताब जीत लिया, और इन्होंने ये खिताब जो है रशियन टीम को हरा कर जीता। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों 9 जनवरी 2017 की, इंडियन अमेरिकन पराग हवलदार इज ऑनर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी। ही हैड डन हिज BTech फ्रॉम IIT खड़गपुर। भारतीय अमेरिकी पराग हवलदार को डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी की तरफ से सम्मानित किया गया। इन्होंने IIT खड़गपुर से BTech किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ये भी है 9 जनवरी 2017 की, पीएम मोदी लॉन्च्ड प्रवासी कौशल विकास योजना फॉर इंडियन यूथ सीकिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी कौशल विकास योजना लॉन्च की है। यह उन युवाओं के लिए है जो बाहर जॉब की तलाश कर रहे हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट इसका संचालन करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों बॉलीवुड से, ये है, ये भी न्यूज़ आपकी 9 जनवरी 2017 की है। आमिर खान्स दंगल हैड बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन हिस्ट्री विथ ₹345 करोड़। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ हरियाणवी रेसलर महावीर सिंह फोगाट एंड हिज डॉटर गीता एंड बबीता।
तो आमिर खान की जो दंगल थी दोस्तों, वो 345 मतलब 345 करोड़ रुपए कमाकर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी बन गई है। यह मूवी हरियाणा के रेसलर, जो रेसलर थे महावीर सिंह फोगाट, उन पर और उनकी जो बेटियां थीं गीता और बबीता, उन पर बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ भी दोस्तों है 9 जनवरी 2017 की। इंडियन पेयर ऑफ रोहन बोपन्ना एंड जीवन वॉन चेन्नई ओपन मेन्स डबल टाइटल्स। द डिफीटेड इंडियाज दिवीज शंकर एंड पूरव राणा 6-3, 6-4। मतलब जो भारतीय जोड़ी बोपन्ना और जीवन है, उन्होंने चेन्नई ओपन मेन्स डबल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने भारत के दिवीज शंकर और पूरव राजा को 6-3 और 6-4 से मात दी। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों 10 जनवरी 2017 की। अमिताभ बच्चन हैड बीन ऑनर्ड बाई द यू एस एम्बेसी टू एक्नॉलेज हिज इमर्ज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन यू एस टाइज ऑन ट्यूबरकुलोसिस। अमिताभ बच्चन को यू एस एम्बेसी ने उनके इंडियन यू एस टाइज ऑन ट्यूबरकुलोसिस में, ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों एक बीमारी होती है जिसको हम लोग नॉर्मली टीबी भी बोलते हैं, तो अमिताभ बच्चन को यू एस एम्बेसी ने क्या किया कि उनके इंडियन यू एस टाइज ऑन ट्यूबरकुलोसिस में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों 10 जनवरी 2017 की, ये भी है, और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES हैज साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी। इसरो इज द सेकेंड पार्टनर ऑफ CNES आफ्टर NASA इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जो इसरो और CNES है, उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसरो जो है वो नासा के बाद CNES का दूसरा पार्टनर है। ये भी न्यूज़ है दोस्तों 10 जनवरी की, और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग है कि तमिलनाडु हैड बिकम द 21st स्टेट ऑफ ज्वाइन उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये उदय होता है दोस्तों, इस योजना का नाम है। द उदय इज अ स्कीम टू हेल्प रिवाइव डेप्ट स्ट्रेस्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग दोस्तों ये कह रहा है कि जो तमिलनाडु है उसने वो जो है तमिलनाडु एक ऐसा जो स्टेट है कि जो उदय को ज्वाइन करने वाला 21st स्टेट बन चुका है। उदय एक ऐसी योजना है जो बिजली वितरण कंपनियों के ऋण को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों 11 जनवरी 2017 की। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव कॉस्मिक रेज मॉनिटर हैज़ रिकॉर्डेड अ बर्स्ट ऑफ गैलेक्सी कॉस्मिक रेज दैट इंडिकेट्स अ क्रैक इन अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड। दिस वॉज रिकॉर्डेड बाई GRAPES 3 μ टेलीस्कोप लोकेटेड एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कॉस्मिक रे लेबोरेटरी इन ऊटी इन तमिलनाडु। मतलब कि जो दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील कॉस्मिक रे रिकॉर्डर है, उससे पता चला है कि उसके रिकॉर्ड से पता चला कि जो पृथ्वी के चुंबकीय परत है उसमें क्या हो गया, क्रैक हो गया, मतलब दरार आ गई है। यह GRAPES 3 मतलब GRAPES 3 μ टेलीस्कोप एक है, उसके थ्रू ये रिकॉर्ड किया गया। और ये जो कि TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कॉस्मिक रे लेबोरेटरी में है ये, और यह कहाँ पे है, तमिलनाडु के ऊटी में है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों ये है 12 जनवरी 2017 की। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग द यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु लॉन्च्ड न्यू मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर रिजर्व्ड बुकिंग एंड टू इंक्रीज द एज ऑफ यूजर्स। तो जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे सुरेश प्रभु जी, उन्होंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। यह रिजर्व्ड बुकिंग और यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी दोस्तों आपकी 12 जनवरी 2017 की है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग स्वामी विवेकानंद बर्थडे ऑन January 12 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। इट वॉज फर्स्ट डिक्लेयर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1948। द थीम ऑफ दिस ईयर्स फेस्टिवल इज यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। 12 जनवरी मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन का दिन है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में यह पहली बार भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, और इस साल इसका थीम जो है वो क्या है, इस साल जो हुआ है, इस साल इसका थीम था यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। लास्ट न्यूज़ है दोस्तों ये 13 जनवरी 2017 की है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग एयर इंडिया विल रिजर्व 6 सीट फॉर वुमन ऑन इट्स
flights operating on domestic routes. This is necessary now for the airlines to reserve some seats for women on aircraft. Air India ने अपने घरेलू उड़ानों में 6 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है. अब सभी हवाई जहाज में महिलाओं के लिए 6 सीट आरक्षित करना जरूरी हो गया है. ये सभी एयरलाइंस को मानना जरूरी है. तो ये थी दोस्तों कुछ करेंट अफेयर्स. अगर आपको ये पसंद आया हो, हमारे ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो, तो उसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा. और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि आपके आईएएस आईपीएस और एसएससी जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इसे अपलोड करते रहते हैं. सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए. सी यू, हैव फन. Yeah.